to Centro Fresh Chewing Gum presents Comedy Circus Ke Ajoobe. India ke kone kone se dhoond kar hum aapke liye lekar aaye hain lallan tab dhansu dhamal jabru jabral faadu fatoor baz dhaakar jhakas ek se ek comedy ke hunar baz jo the comedy ka naya talent. In hunar bazon ne badi mehnat se hamari manjhui jodiyon ke sang talmel bithaya aur khud ko comedy ka ajooba banaya. आज इन नए अजूबों को देना होगा एक और इम्तिहान. आज अजूबों को अपनी जोड़ी छोड़ दूसरी जोड़ी में जाना पड़ेगा हमारे अजूबा एक्सचेंज स्पेशल में. गेस्ट जोड़ी लेकर आई है आपके लिए एक स्पेशल एक्ट. याद है आपको वो पुराने जमाने का सिनेमा एक मजबूर बेटा और उसकी अंधी माँ. आज हम आपको रेट्रो का एक नया रूप दिखाएंगे. माँ होगी रापचिक और बेटे को हम अंधा बनाएंगे. रेट्रो का अफलातूनी सिनेमा दिखाने आ रही हैं हमारी आज की गेस्ट जोड़ी राजीव ठाकुर एज अंधा बेटा एंड परेश कनात्रा एज वेरियस कैरेक्टर. हेलो हेलो अर्चना, हाउ आर यू? आज बड़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही हो. अगर आज मैंने अर्चना को हॉट एंड सेक्सी बोला है तो इसका मतलब साफ है कि आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा. किधर है वो आज में जजमेंट करता बैंड्रा वाला लड़का, किधर है वो? सुहेल भाई नमस्ते. ए तेरे पीछे देख. नमस्ते सुहेल भाई. सलाम अर्चना. नहीं नहीं घबराया हुआ नहीं हूं मैं. बात यह है कि अंधा बनाऊ ना इसलिए पता नहीं चल रहा नमस्कार किसको करना और सलाम किसको करना है. मैंने सुना है सुहेल भाई मेरे जाने के बाद आप यहाँ पर बहुत बिरयानी बांट रहे हो. लेकिन एक बात बताओ ये बिरयानी मिलती कहाँ है भाई? क्योंकि मैंने सुना है बिरयानी बांटने के बाद आदमी परमानेंट हो जाता है. मा, 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 आज तेरे अंधे बेटे को पुलिस में नौकरी मिल गई है माँ. और आज मैं अपनी माँ को सभी खुशियां दूंगा. उस बेचारी माँ को जिसने फटी हुई साड़ी में सारी जिंदगी निकाल दी. वो माँ जो सारा सारा दिन मेहनत करती रही किस लिए? चंद रुपयों के लिए. जो मुझे एक निवाला खिलाने के लिए भूखी प्यासी बैठी रही वो माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? आज तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ कहाँ है तू? माँ क्या क्या हुआ, क्या हुआ बेटे? मुझे नौकरी मिल गई माँ, नौकरी मिल गई. क्या 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 माँ 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 अगर तेरा कार्डियो खत्म हो गया हो तो अपने इस दीने की बात सुन माँ. अबे माँ के दीने? हाँ माँ. यहाँ बेटे? हाँ माँ. यहाँ? हाँ माँ. तुझे नौकरी मिल गई बेटे? हाँ माँ. तू पुलिस अफसर बन गया? हाँ माँ. लेकिन बेटे तुझे तो दिखाई नहीं देता. तो माँ? हाँ. जिस पुलिस को दिखाई देता है वो भी आज क्या कर रही है? तालियां बजाओ मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे, तेरे बाप का कुछ जाएगा. आज दिल्ली के हर गलियारे से गूंजेगी ये आवाज कि फिल्म अनाउंस करता है सुहेल खान बना जाता है अरबाज. अबे कपिल की भड़ास तू क्यों निकाल रहा है बे? अबे तू गेस्ट है, गेस्ट बन के रह कर, वरना जिंदगी भर रेस्ट करना पड़ेगा. सॉरी लेकिन बता बेटा तुझे नौकरी मिली कैसे? पिताजी की वजह से. मतलब? मतलब माँ. हाँ नहीं नहीं बेटा ये क्या किया तूने? मेरी हेयर स्टाइल खराब कर दी कुत्ते. माँ मैंने मैंने मा, तेरा माथे का सिंदूर पहुंचा है माँ. बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे माँ. अच्छा लगता है कलम वाली भाई बिल्कुल ठीक कह रही थी. अच्छा लगता है. अरे अच्छी भली माँ मेरी नाना पाटेकर बन गई माँ. कंट्रोल माँ कंट्रोल माँ कंट्रोल कंट्रोल. इसका मतलब है आज से मैं सिर्फ दो लोगों के लिए रोटी बनाऊंगी. बेटा बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या हंसू. माँ 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 देख ले जिस बात पे लाफ्टर आता है वो कर ले. हाँ? क्योंकि बाप तो नया आ जाएगा हंसने के लिए तो ये दो बंदे रखे हुए हैं हमने. कॉमेडी के चक्कर में ये देख क्या हो गया? क्या हो गया ये मेरे पैसे? मैं कहाँ देखूँ माँ? बेटा कॉमेडी के चक्कर में
आप बैंक हो जरा संभालना बेटा। हाँ माँ। ये कॉमेडी के चक्कर में मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि क्या हुआ क्या तेरे पिताजी को बेटा। माँ माँ माँ। हाँ पिताजी को भूलने की बीमारी थी, आज भूल गए कि सांस लेनी कहाँ से है। और बड़ी ही बदबूदार मौत मरे हैं तेरे बाबूजी। बेटा जाने से पहले अपने बाप की बंदूक तो लेते जा। बंदूक ये ले बेटा। अबे माँ के दिन है। हाँ माँ। ये ले बेटा बंदूक लेता जा बेटा। माँ सामने से हट जा। माँ मुझे बंदूक टेस्ट करनी है। माँ माँ की आवाज नहीं आ रही, लगता है माँ सो गई। लेकिन आज मैं पुलिस वाला बना हूँ। शशि कपूर करके दिखाऊं। अमिताभ बच्चन है। मैं जानता हूँ यहाँ पर जो कुछ भी हो। अजय देवगन हैज एमआईटी से टकली। शाहरुख खान इतना कुछ करके दिखाया, गेस्ट एक्ट में परमानेंट कर लो यार। कब तक मैं गेस्ट एक्ट में वेरिएशन लाता रहूंगा। मोना डार्लिंग, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। टिंग टोंग टिंग। आर्टिस्ट कृपया ध्यान दें, इस प्लेटफॉर्म पर लॉयन टाइगर शेर बोलना सख्त वर्जित है। अबे मैं तो इंग्लिश में बोला यार लैन। अबे एक ही आदमी को यहाँ पर अंग्रेजी आती है, उसी को लॉयन बुला के चिढ़ा रहा है तू। अबे तू मुझे मार रहा है। मैंने तेरी माँ और तेरी बहन को पकड़ के रखा हुआ है। कहाँ है, कहाँ है मेरी माँ बहन, कहाँ है? यहाँ देख, पत्थर के साथ बांध के रखा हुआ है। मेरी माँ बहन को छोड़ दे वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मोरा डार्लिंग, हाइट का जिंदगी में पहली बार फायदा हो रहा है, इसे पता ही नहीं कि मेरी कनपट्टी बहुत नीचे है। ओ गन देख के तेरी कनपट्टी नीचे आ गई। अच्छा खांस के इधर आएगा, मैं तो आवाज सुन के आदमी को गोली मार दे। भाई लड़ाई बाद में कर लेंगे, इधर मेरी बंदूक गिरी होगी। वो उठा दे। अबे बंदूक कैसी लेकर आया तू, खड़ा। अबे खड़ा हो, छोड़ उसे, खड़ा हो। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? स्टैंडिंग ओवेशन। अबे ये ले गन, मुझे ही मार दे। अरे कम से कम तेरे नहीं मेरे लिए तो खड़े हो जाएंगे हाल पूछने के लिए। जैसा तू बन के आया तेरा वैसे हाल पूछना बनता है। सुहेल कैसा लगा आपको हमारा ये गेस्ट एक्ट? अगर आप मजाक नहीं कर रहे, अगर आपकी सच में आखिरी ख्वाहिश है तो मैं खड़ा हो जाता स्टैंडिंग ओवेशन। भाई इतनी जल्दी कर रहे हो, आपका कौन सा आखिरी एपिसोड है? मेरा आखिरी एपिसोड है, फिर कभी कर लेंगे ऐसी ख्वाहिशें पूरी। परेश जब भी आप आए इन ऑल योर गेटअप्स यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू सो मच। आरजी परेश यू वर फैबुलस। आपने जो माँ किया जिस अंदाज में गोल गोल घूमते घूमते जो माँ की एंट्री की, देयर वाज लॉट ऑफ फन इन द एक्ट एंड बहुत मजा आया दोनों को देखकर। थैंक यू सो मच। हमारी गेस्ट जोड़ी परेश और राजीव के लिए जोरदार तालियां। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इंसानों की प्रेम कहानियां तो आपने कई बार देखी होंगी। आज हम आपको दिखाएंगे एक डिफरेंट लव स्टोरी जिसमें ना छोरा है ना छोरी, क्योंकि ये है एक कुत्ते और कुत्ती की जोड़ी। जानवरों का पवित्र प्रेम लेकर आ रहे हैं भारती एज अ पपी, सिद्धार्थ जाधव एज अ मालिक एंड सिद्धार्थ सागर एज वेरियस कैरेक्टर्स। मैं मालिक है, तू कुत्ता है, चल। हेलो अर्चना जी, हाय सुहेल भाई, माय सेल्फ टॉमी और ये मेरा पेट सविता। क्या मैं कल रात गरीब था, सो गया, सुबह उठा डायरेक्टली अमीर बन गया। और अमीर के तो दो ही शौक होते, एक तो पैसा और दूसरा कुत्ते घुमाना, तो मैंने कुत्ते को रखा है। क्या बोला?
कितना स्वीट कुत्ता है मेरा। ले 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 ले। अंधा है तू? मेरा मुंह इधर है, जब देखो गलत जगह पे किसिया करता रहता है। अरे कुत्ते को किस करने से क्या फायदा, किस तो किसी को ऐसे करना चाहिए तो मजा आ जाए। ऐसे क्या देख रहे हो, ये सिद्धार्थ जाधव का स्टाइल है यार, ऐसा मत करो। कैसे सोहेल भाई, अर्जेंट जी कैसे? मैं सिद्धार्थ जाधव। कैसे हम लोग? हाँ बहुत अच्छे। हाँ भाई, हेलो कह रहे आज कचरा नहीं उठाता हूँ, आज मेरी शूटिंग है। पंजर, चल भाई कैसे आप? चल भाई मैं आज बहुत खुश हूँ पता है, लेकिन आपको एक बात बताऊँ सोहेल भाई, मेरे को सब बहुत तंग करते हैं। मेरे को सब बहुत, मालूम क्या बोलते हैं, भारती कहती तू कितना गंदा, तू दीवार चाटता है, तू भी तो रोटी खाती है, मैं कुछ कहता हूँ? ये गलत बात है, लेकिन इसने मुझे बहुत प्यार करा। यह प्यार करती मेरे को सोहेल भाई, इसने मेरे को बहुत प्यार करा। एक मिनट रुक, बाद में प्यार दिखाना, आज साबित कर दे, या तो तू आज अपने को पप्पी दे, या तू आज अपने से हाथ मिला, बोल। देखा एक मिनट, देखा हाथ नहीं मिला रही, इसको पप्पी मांगते। भरो दांत मेरे भरो, ये देख ये पप्पी देने का। अबे तेरे को इसको बोल रहा हूँ, तेरे से पप्पी कौन देगा, बिना मेकअप के मेरे से ज्यादा गंदी लगती तू। हाँ बता रही अपने को, अरे कुत्ता, अरे पप्पी, छोटा पप्पी, मोटा पप्पी, प्यारा पप्पी, मेरा पप्पी, पप्पी मेरा पप्पी, कितना प्यारा पप्पी है ये, पप्पी मेरा प्यारा पप्पी, गोल पप्पी, कुत्ता पप्पी, पप्पी 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 मेरा पप्पी। अरे अरे कितने जोर से बोलता है तू, ऐसा मत बोल, कितनी मधुर आवाज है मेरी, क्या गॉड गिफ्ट होता है मालूम है तेरे को? गॉड गिफ्ट हे भगवान, कितनी तीखी आवाज है तेरी, ये क्या खा के आया तू? ब्लेड बटर। ब्लेड बटर? हाँ कुछ हुआ नहीं? नहीं ब्लेड टूट गया। मेरे को इधर काहे के आया तू? अपन तेरे से दोस्ती करने आया। हो गई दोस्ती? हाँ चल निकल। हाँ तू निकल, जवान किसको दिखाता है, रुक रहे। अब उन देता तेरे लस्सी पिएगा, आप पिएगा। हाँ जवान दिखा, ये ले लस्सी भी अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है। मैंने पता था। ये ले और भी अच्छी है। अच्छी है, हमने पता था। अरे बार बार क्यों दे रहा है? अरे पीना लस्सी, घर वालों को नहीं दे सकता क्या? नहीं घर वालों को दे दो, चूहे वाली कोई पीता नहीं। अबे साले चूहे वाली लस्सी पीता है मेरे को देता है तू? ए तू मेरा लोटा कहीं को तोड़ा, साला टॉयलेट क्या लेके जाएगा मैं? तूने सिद्धार्थ जाधव की बेइज्जती की है, जाधव की। अबे काहे काहे सिद्धार्थ जाधव है, सिद्धार्थ जाधव या ऐसे 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 ऐसा करके कोई सिद्धार्थ जाधव नहीं बनता। अबे ये तो कर सकता है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी जो चाहिए ना वो कहाँ से लाएगा तू? अरे गंदा शक्ल नहीं, अंदर से गंदगी होनी चाहिए सिद्धार्थ जाधव के लिए। और क्या बोलता है, मेरी मधुर आवाज है। अरे मधुर आवाज ऐसी होती है, नमस्कार मैं सिद्धार्थ जाधव तुमसा स्वागत करतो, आता ओम साउदिया। भक्त तेरी भक्त 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 आया बड़ा सिद्धार्थ जाधव का डुप्लीकेट। सोहेल भाई अर्चना जी, सिद्धार्थ जाधव का कोई डुप्लीकेट नहीं है, एक को छोड़ के एक इंडिया में, दूसरा सिद्धार्थ जाधव का डुप्लीकेट है यूएस का प्रेसिडेंट बराक ओबामा।
ठीक है अभी अच्छे कपड़े में अमीर बन गया हूँ मैं तो अमीर मालिक का अमीर कुत्ता बन के मेरे साथ घूमना सड़क छाप कोई कुत्ता दिखा तो उसको आग भी नहीं दिखाने का समझा चल देख श्रुति तूने मेरे को क्या बोला था जब मैं तेरे लायक हो जाऊंगा तो मुझसे शादी करेगी मैं तेरे लायक हो गया हूँ आई लव यू हाय कुत्ती हाय ऐसी कुत्ती भगवान मेरे मैं पागल हो गया ऐसे क्यों देख रहा है मेरे को आज तूने अपने को दीवाना कर दिया है मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ सच्ची रियल सी सविता तेरे को कितनी बार बोला है ऐसा छड़क चाप कुत्ता दिखे तो पूछ अंदर लेना ए, ये कौन है ये मेरा मालिक है टॉमी मालिक है तेरे पट जैसा लगता ये एक हटता तो नहीं देख ज्यादा बड़बड़ की ना अभी कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आएगी पकड़ा दूंगा तेरे को मैं आई आई गाड़ी आई कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई अभी भाग साले तेरे को पकड़ेंगे पकड़ो पकड़ो वो सूट वाले कुत्ते को पकड़ो ए, ए, अभी तू भाग साले अरे मैं कुत्ता नहीं मैं इंसान हूँ यार तो क्या हुआ कुत्ता तेरे से ज्यादा हैंडसम है तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी गर्लफ्रेंड बनके क्या करेंगे देख हमारा एक शो आ रहा है डांस का उसमें डांस करेंगे वाओ जब एक कुत्ती देगी कुत्ते का साथ तो बनेगी डांस वाले शो में बात ये नच कुत्ती है मैं बोलता हूँ सुन तू मेरे से शादी कर ले बहुत मजा आएगा तू मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएगा ना क्या छोड़ के नहीं जाएगा जिंदगी में प्यार एक बार होता है क्योंकि दूसरी बार के लिए स्टैमिना नहीं रहता ये शादी नहीं हो सकती अरे तुम अमीरों की कुतिया और ये सड़क वाला कुत्ता हट ये मैं सड़क वाला कुत्ता नहीं हूँ फिर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सोसाइटी में रहता हूँ मैं हाँ किसकी ऋतिक की पका दिया उसने मेरे को एक ही डायलॉग बोल के जब देखो आवाज आती रहती है हाय दिस इज ऋतिक आप लोग मुझे जानते एक्चुअली आई एम वेरी पॉजिटिव माय डैड हिज नेम इज गुड्डू एंड माय नेम इज डुगु ज्यादा बन मत मैं भी कोई ऐसी वैसी कुत्ती नहीं हूँ जब मैं अपने मालिक टॉमी के साथ जू बीच में घूमने जाती हूँ ना तो सोहेल खान का कुत्ता मेरे पीछे दूम हिलाता हुआ आता है मैं उसको जरा भी भाव नहीं देती मेरे पीछे पांच छह कुत्ते लेके घर में घूमता रहता है एक बात बताऊँ बहुत बड़ा झंझट है इन लोग के बीच में रहना मेरे बगल में नसीरुद्दीन रहता है नसीरुद्दीन एक वेडनेसडे का डायलॉग बोल बोल के सर पका दिया मेरा उसके कुत्ते ने हाँ क्या बोलता है राठौर साहब इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैंने मारा था हाँ अगर आपको जानना ही है तो सुनिए मेरा अपना कोई है इस देश में नाम नहीं जानता मैं उसका लेकिन सिर्फ से जानती हूँ और किसी मरूर को हकी नहीं है सॉरी फॉर माय लैंग्वेज मगर किसी मरूर को हकी नहीं है हमको बता ऐसे कैसे हो सकता है अरे वाह 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 अरे ये तो टैलेंटेड कुत्ता है वेनेसडे का डायलॉग संडे पे क्या बोला है सोहेल भाई अर्चना जी मैं दोनों की शादी कर रहा हूँ आपको जरूर आना है शादी में सोहेल जी आपके कुत्ते से शादी करके मैं आपकी बहू तो नहीं बन पाई लेकिन ये कुत्ते की जोड़ी मेरे साथ जस बाऊ बाऊ जस बाऊ जस बाऊ बाऊ जस बाऊ अर्चना कैसी लगी आपको ये क्यूट सी जोड़ी बहुत क्यूट था ये एक्ट भारती आप जैसे लौट रही थी ऑन द स्टेज दोनों सिद्धार्थ आप दोनों ने जो कमाल की परफॉर्मेंस दी है
इन टोटैलिटी बहुत एंटरटेनिंग था, खास तौर से जब दोनों सिद्धार्थ का आमना सामना हुआ. इट वॉज एन इनक्रेडिबल मोमेंट. पहली बार सिद्धार्थ जाधव के सामने एक और सिद्धार्थ जाधव. एंड छोटे सिद्धार्थ, आप तो यकीनन बड़े सिद्धार्थ की तरह लग रहे थे. एंड नसीर का डॉग वॉज फैंटास्टिक. ये एक नया एलिमेंट मुझे लगा आपके एक्ट में, छोटे सिद्धार्थ, बड़े सिद्धार्थ और मोटी भारती. आप तीनों ने बहुत अच्छा किया. वेरी नाइस एक्ट. ये एक ऐसा एक्ट था जिसका कॉन्सेप्ट बहुत हाई था, बहुत ही यूनिक था, लेकिन इसमें जो लाइंस थे और जो गैग्स थे, जो कॉमेडी क्वेश्चन था वो बहुत कमज़ोर था. लेकिन फिर जो परफॉर्मेंसेस थे और जो इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही हाई था. ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय ग्रेट एक्टर्स, फैबुलस. थैंक यू सो मच. अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? आपने जो नॉवेल्टी इस एक्ट में डाली है, छोटे सिद्धार्थ आपने बड़े सिद्धार्थ की इतनी बढ़िया जो मिरर इमेज की है, एंड आपने जो ऋतिक और नसीर का जो डॉगी किया है, उसके लिए 9 points from Archana. Thank you so much. And Sohail? I'm going to give her a 9 too. 9 points from Sohail. इंडिया में लोग यमराज को देखने से डरते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ यमी नहीं पूरी यम फैमिली दिखाएंगे. यम और यमी के लफड़े झगड़े सुनाएंगे और उसमें यम की भैंसे का ट्रायंगल भी घुसाएंगे. यम परिवार से मिलने के लिए प्लीज वेलकम कृष्णा एज भैंसा, सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड राजीव मेहरा एज यमराज. बहुत बढ़िया किया यार, बहुत बढ़िया. साले है हमारे साथ अक्षय कुमार करके 8-8 नंबर दिलवाए हमको. इनके साथ नसरुद्दीन साला अंदर सिद्धार्थ ज्यादा बन रहा था, है मेकअप कर रहा था. मैंने बोला सिद्धार्थ ज्यादा बनने के लिए मेकअप बना मत, मेकअप खराब कर दे अपना तब बनेगा तू. खैर लेकिन बहुत बढ़िया किया. मैं पहले ही कहता था ना छोटा वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला इतना अच्छा नहीं है. खैर मैं बोलता हूँ अगर इसे 4 बार सिद्धार्थ ज्यादा और कर लिया ना फिर तेरा नाम बदल जाएगा, लोग बोलेंगे सिद्धार्थ जाभक. खैर एनीवेज मैं हूँ भैंसा. वेरी गुड. पहली बार सही क्यों दिया है तुमने. हेलो डार्लिंग, दिस माय विजिटिंग कार्ड. किसी भी लड़की को रात को 2 बजे भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर, आई एम रेडी टू हेल्प. क्योंकि मैं भले ऊपर से भैंसा हूं अंदर से तो सांड कृष्णा ही हूं. दीदी दीदी कहां चली गई थी तू? मैं और दीदी कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे. हमारा एक दिन अनबन हो गई, भैंस भैंसाई हो गई कुछ. फिर अचानक से बारिश आई, भैंस अलग हो गया, भैंसी अलग हो गई. हेलो. ओहो बीबीएम आया है, भैंसा ब्रॉडकास्टिंग मैसेंजर. यमराज जी का है, बस आते ही होंगे वो थोड़ी देर में. कह रहे हैं किसी की जान लेने के लिए धरती लोक पर जाना है. यमराज जी ये धरती पे अर्चना ना इतनी जोर जोर से हंसती है कि ऊपर यमलोक तक आवाज आती है. अरे मूर्ख, हम अर्चना नहीं, हम यमराज हैं. महाराज महाराज अबे साले डीली है 2-3 आप आ गए. महाराज पृथ्वी लोक से मस्त आइटम उठा के लाए हो यार. अबे कमीने तुम्हारी मालकिन है और मेरी यम्मी. ये मालकिन है? खैर यमराज मालकिन को गोली मारिए, आपका पेट काफी फूला फूला सा लग रहा है महाराज. ये मैंने फुलाया है. क्या पहली बार सुन रहा हूँ एक औरत ने मर्द का पेट फुलाया है. मैं थप्पड़ मारना, मैं तेरा भी फुला सकती हूँ. वो कैसे? आलू वाले परौठे खिलाऊंगी 10, देना कैसे भूल जाए. सोहिल सौंप चुप हो जाओ, कोई नहीं बीच में बोलेगा. अब हमारी बारी. सोहिल जी ये मत समझना कि कोई चापलूसी है, सच्ची हो रही हूँ माँ कसम, आप सबसे बड़े फैन है मेरे. मैं झूठ नहीं बोलती. यहाँ पे जितनी भी फिल्मों की ये बातें बातें करते रहते, लेकिन मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, एक तरफ किसान लगी हो और एक तरफ शाहरुख की डर, मैं तो दबंग 2 देखूंगी. मैं सीधी बात बोलूँ क्योंकि प्यार अपनी जगह, इंजॉयमेंट अपनी जगह. देखो कैसी बातें करती है हमारी बीवी. करनी नहीं, याद करके आई हूँ 2 मिनट में सारी. ये अच्छा है साला, अपने डायलॉग बोल के खुद ही हंसता रहता है. क्यों मार रहे हैं मुझे? अपने मालिक पे हाथ उठाते हो?
ये लॉलीपॉप खा लो, क्या लेके घूम रहे हो बार बार? ये तीसरा थप्पड़ क्यों मारा? मारेंगे क्यों नहीं? क्यों? एक तो तू है राजीव मेहरा, ऊपर से साला हमारा मालिक बना हुआ है, एक और थप्पड़ ले साला, इसको उतार ही देता हूँ, यहाँ कौन सी चेकिंग हो रही है? साले इतने थप्पड़ मारूंगा ना, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, कृष्णा सुदेश से हम लोग समझे? तो इधर भी राजीव मेहरा है, दो तीन थप्पड़ से कुछ नहीं बनेगा। अच्छा और ले। बस बस बस, एक भारतीय नारी के सामने उसके पति की पिटाई हो वो देख नहीं सकती, इसका कत्ल कर दो। खबरदार खबरदार, मेरी तरफ आए तो सिर्फ जान लेने का हक यमराज को है, यमराज को। हा, 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 हा। ये क्या लगी हुई है तू? मैं के इनके लाफ्टर नहीं आया, मैं डांस करके थोड़ा एंटरटेन कर दूं। महाराज बोलो, आपने जो बीबीएम किया था कि जान ने लेके जाना है, हाँ ये धरती पर चलते हैं। चलो धरती पर चलते हैं, तुमने तो नहीं साथ जाना? मेरी बेइज्जती बहुत होती है आपके साथ शादी करके, पछता रही हूँ मैं, पछता रही हूँ कि इनके साथ मेरी हेट मैरिज क्यों हुई। हेट मैरिज? हाँ। क्या मतलब हुआ? एक्चुअली क्या हुआ ना, पहली नजर में जब इनको मुझे देखा ना तो मुझे उल्टी आ गई, और मैंने सोचा कि जो बंदा पहली नजर में उल्टी दिलवा सकता है, शादी के बाद तो बच्चों की लाइन लग जाएगी। महाराज की बकवास मत सुनो, आइए चलिए हम धरती पर चलते। चलिए चलिए, हम ऐसा करो हम उस टापू पे जाएंगे, वहां लेके चलो। अरे वो टापू नहीं है, कंट्रोल रूम में निकुल बैठा, उसका टकला चमक रहा है। ये क्या था? वैसे मैंने कहा लाफ्टर नहीं आ रहे, थोड़ा डांस करके एंटरटेन कर लूं। सुनो मैं भी जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ पे डर लगता है, ऊपर बहुत जानवर हैं। जानवर? अरे ऊपर से ज्यादा जानवर नीचे बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम ऐसा करो नीचे मत जाओ, वो देखो लोग भाले लेकर खड़े हैं। अरे कोई भाला लेकर नहीं खड़ा, वो टीनू आनंद नीचे उबासियां ले रहा है। हाँ, 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 हाँ। वो देखो कुत्ते का मामा आया, कुत्ते का मामा। ये कुत्ते का मामा क्या भी? वो निकुल को कह रहा है। क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या बकवास कर रहे हो आप दोनों, लगे रहो अब पता चलेगा तुम। महाराज जी मैं तो कहता हूँ आइए नीचे चलते हम लोग। नीचे करेंगे भी क्या, क्रिकेट खेलना वहां पे? चल क्या करना नीचे जाकर, चलना पड़ेगा महाराज जी, चलो चलते आइए चलो। धीरे चलो, मेरी सांस फूल गई, घूमना भी नहीं आता साले को, टूटू ऐसे घूमते। खैर मैं सच्ची बताऊं, हमारे महाराज जी बहुत डरते हैं, नहीं नहीं दुनिया से नहीं तरक्की से, इसलिए एक भी पंच नहीं बोल रहा साला। खैर महाराज जी मुझे एक बात बताइए, ये जो श्रुति है कॉमेडी सर्कस में, इसको सब बुड्ढी बुड्ढी क्यों कहते हैं? सब झूठा है यार। अरे कैसे झूठ है यार, सब कहते हैं बुड्ढी बुड्ढी। अरे यार मेरी बात मान, झूठ है, सब बकवास है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं यार? जिसकी दादी उसको पता होगा कि तेरे को पता होगा साले। खैर छोड़ो महाराज जी, सच्ची बताऊं, जब आप यहाँ नहीं थे ना महाराज जी, तब बड़े अच्छे एक्ट हो रहे थे आपके। जब से अजूबे आए ना, बेड़ा गर्क कर दिया इन सब लोगों ने। खैर महाराज जी आप यहाँ पर किसकी जान लेने के लिए आए हैं? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, बस मुझे वो मिल जाए। है कहाँ वो बकरी? चरमियती ऐसी बातें सुन रहे हो? आओ हमारे महाराज जी से मिलो। मेरी इंट्रोडक्शन काफी हो गई। अबे तू वही बकरी, तेरी जान लेने मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को टांग मारती है ना, चल मेरे साथ। तू इसकी जान नहीं ले सकता? क्यों? मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ, यहाँ मारती है मैं इसको लेके जाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हें इसकी जान लेनी है तो तुम्हें मेरे गोबर से गुजरना होगा। साले कहावत है लाश से गुजरना होगा। हाँ तो जब मैं गोबर करूंगा ना, ऐसी बास आएगी, लाशें लाशें गिरेंगी यहाँ पर, आप फिक्र मत करो। देखो मैंने इस बकरी से प्यार किया है, प्यार किया है, प्यार करेंगे, दुनिया से हम अपना डरेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी। ये क्या था? मैंने कहा लाफ्टर काफी नहीं आए तो थोड़ा डांस करेंगे इंटरटेनमेंट। जो एक मिनट मुझे भी जरा साउंड इफेक्ट देना। पहले तो ये बताओ ये क्या था? ट्रू, ये बहुत बड़ी कॉमेडी थी अपनी तरफ से। तो जजेस आप जरा बताइए आपके क्या ख्यालात हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में? इट वाज
Krishna, Sudesh, and the punching bag at his best. That was the only thing. And you all entertained everybody. That was superb. Thank you, Zoid. Archana, aapko ye performance kaisi lagi? Concept was mad. और कृष्णा आपकी जो एक endearing quality है वो आपकी innocence और आपकी smile और इसलिए हमारे मन को भा जाती है राजीव जी आज आपको इन दोनों के बीच देखकर एक नयापन आया सही बोला आपने कि देखो हंसी नहीं आ रही तो मैंने सोचा ऐसे करके that gag really worked बहुत ही अच्छा मैं कहता हूँ शुक्र है कि मतलब कई बार होता है कि बहुत सारे कलाकारों के साथ हमें मौका नहीं मिलता राजीव मेहरा जी हमारे साथ आई है हमारी बदनसीबी है तो जजेस टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स अर्चना 9 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना एंड सोहेल 1 पॉइंट एक्स्ट्रा फॉर यो यो हनी सिंह 9 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल जब प्यार किया तो डरना क्या और जब प्यार नहीं किया तो फोकट के पंगों में पड़ना क्या सलीम अनारकली को नहीं करना है प्यार अब कैसे बनेगी मुगले आजम इस टेंशन में है अकबर महाराज सलीम अनारकली की नॉट अ लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं मंत्रा एज वेरियस कैरेक्टर्स पूर्वी एज अनारकली एंड मुबीन एज अकबर कॉमेडी सर्कस में इतने एपिसोड करने के बाद भले ही इज्जत कुछ भी नहीं कमाई लेकिन बेइज्जती भर भर के कमाई है अर्चना जी जी इतने बार राजा बन चुका हूँ कि मैं इस तरह के एक्ट के भविष्य भी बता सकता हूँ देखना अभी एक सैनिक आएगा और कहेगा महाराज दुश्मन सेना ने हम पर हमला कर दिया है ओह माय गॉड महाराज ओह माय गॉड महाराज महाराज ओह माय गॉड महाराज 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 दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है देखा हमें तो लगता है दुश्मन ताड़ के बैठा है कि मुबीन राजा बने और हमला कर दो वैसे जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो हमें तो लगता है दुश्मन ने पीछे से हमला किया होगा महाराज 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 पीछे आगे ऊपर नीचे चारों तरफ से आ रहे व्हाट डू आई डू अच्छा तो युद्ध की तैयारी करो आपके भूपी की बेटी की शादी है जो तैयारी करूं अरे युद्ध है कौन सा हमें तलवार पर मेहंदी लगा के युद्ध लड़ना है अबे हमें युद्ध की रणनीति बनानी पड़ती है व्हाट रणनीति महाराज आपको मेरे को सलीम को लेके तीन ही तो लोग हैं सेना के अंदर क्या लड़ाई करेंगे जहाँ पर भी जाएंगे मर के ही वापस आएंगे मैं तो बोलता हूँ भाग चलो तुम्हें डर रहा है तो डरो हम युद्ध करेंगे अच्छा हम दुश्मन से लोहा लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना मेरे को कड़ा बना ला लोहे का हम दुश्मन के दांत खट्टे करने की बात कर रहे हैं दांत खट्टे क्यों दुश्मन पेट से है अबे पेट से नहीं है दुश्मन गेट पे है ओके उफ हमें लगता है तुमसे कुछ नहीं होगा तुम जाओ सलीम को ढूंढ के लाओ इफ यू डोंट माइंड मैं यही कैरेक्टर चेंज करके सलीम बन जाओ इसके ऊपर स्टैंड अप के ऊपर मैं डिपेंड नहीं कर सकता संभाल लेगा क्या मैं जाता हूँ अभी वापस दो 250 एपिसोड क्या कर लिए 10-10 नंबर क्या ले लिए अपने आप को कॉमेडियन समझ रहे अरे भाई स्टैंड अप क्या होता है आज हम बताएंगे वैसे हमें लगता है रिस्क लेके फायदा नहीं थैंक यू हम सलीम को ढूंढ कर आते हैं सलीम सोहेल साहब आदाब अर्चना जी आदाब चार लाइन अर्ज करना चाहूंगी कि अपनी महफिल में तुम्हारे लिए हमने इंतजाम निराला कर दिया अपनी महफिल में तुम्हारे लिए मैंने इंतजाम निराला कर दिया चिरागों का तेल खत्म हो चुका चिरागों का तेल खत्म हो चुका तो अपने दिल को जला के उजाला कर दिया जैसे सोहेल साहब तो हमारे कोठे में आते ही रहते हैं लेकिन एक दूसरे सेठ हैं जो इनसे भी ज्यादा आते हैं और वो है श्रुति सेठ हाँ और ये एक ऐसे सेठ हैं जो कोठे में आके पैसे लुटाते नहीं कमाते हैं वो भी फेविकॉल से कुछ समझ में नहीं आया कुछ समझ में नहीं आया मैं तुम्हें ये कह रहा था नारकली वेयर हैव यू बीन अरे हम तुम्हें ढूंढ रहे थे देखो तुम्हारे लिए हम ये बढ़िया से गुलाब लाए हैं पूरी निकाल के सलीम आजम जब से आपको बागीचे में माली का काम मिला है तब से आपकी माली हालत कुछ ठीक नहीं रोज 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 ही लाएंगे या असली गिफ्ट भी देंगे मुझे सस्ते सलीम कहीं के ऐसी थोड़ी ना करना चाहिए आपको अरे भाई हम तो बस ये कह रहे थे कि आज मूड बनाकर आए हैं थोड़ा कोई मुजरा उजरा
हो जाए. Come on, let's do some jiggy wiggy. हाँ, jiggy wiggy with me. आ jiggy wiggy with me. आ jiggy wiggy with me. Salim, Salim. अरे दुश्मन सेना ने हम पर हमला कर दिया है और तुम यहाँ रंगरलिया मना रहे हो. हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे. कहते हैं यार ये वो शख्स है जो जवानी में लड़कियाँ चुनते थे और बुढ़ापे में लड़कियां चुनवा रहे. चुनाव बहुत ज्यादा. देखो अब्बा जान, ऐसी उल्टी सीधी बकवास मत किया करो. आपने इतनी लड़कियों को दीवारों के पीछे चुनवा दिया है कि महल की दीवारें सेक्सी हो गई. बकवास बंद करो, हम तुम्हारी जुबान खिंचवा लेंगे. खुद के पैजामे का नाड़ा तो नहीं खींच सकते, हमारी जुबान क्या खींचेंगे खुद से बुट्टे. लगता है तुम जानते नहीं एक बादशाह को क्या करना पड़ता है. मिमिक्री. और वैसे भी हम कहते हैं ना कि अगर मिमिक्री करने से कोई बादशाह बन जाता है तो अपना जो वीआईपी है वो तो अफ्रीका का बादशाह होता भाई. और अरे कैरेक्टर को छोड़ो, हम मिमिक्री में भी तुम्हारे बाप हैं. हो जाए बड़ा, देख ले कौन मिमिक्री में बादशाह है भाई. अब आए चपल गंजो खास के तिनके मेरे अर्थी के फूल खामोश. छन पकैया छन पकैया, रेलगाड़ी रेलगाड़ी तू खामोश. वैसे ज्यादा बात करने की आदत तो मैं है नहीं, लेकिन अगर मिमिक्री करने से कोई बादशाह बनता है तो हम भी इसमें टैलेंट रखते हैं. यू ओनली लीडिंग फ्रॉम ग्रैंड योर पैड व्हाट आई बाजा कर रखी है. यहां पर मिमिक्री का कॉन्टेस्ट हो रहा है. अरे मेरे होते हुए कोई कैसे यहां पर मिमिक्री कर सकता है, जानते नहीं हो मैं मिमिक्री में तुम सबका बाप. बाप नहीं नाना हूं. अच्छा है. एक्सक्यूज मी, देखो इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, ऊंची आवाज में मैं अभी बात कर सकती हूं, समझे ना. वैसे शादी की है तो मुझे इच्छा है नहीं, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिला तो कर लूंगी. झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता. मेरी जरूरतें ज्यादा है लेकिन मेरा पढ़ने कम है. ए वाओ, करीना इसने एकदम सस्ती बात. खाली फिल्म वालों का करना है, टीवी वालों का नहीं. सॉरी सॉरी सॉरी, आप बात कर रहा है. अच्छा वो बता दिया, नहीं तो मैं सोहेल भाई की करने वाला था यार. अभी मेरा मेरा राखी 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 ए, महंगी वाली राखी. हाँ, बड़ी वाली राखी. हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे. और ये क्या मुझे दीवार में चुनवाएंगे. साहेब ने बोटू के लिए अपनी किडनी भेज दी. फिल्म साहेब हीलो अनिल कपूर भाभी राखी. सस्ती वाली राखी. ए व्हाट इज दिस, तुम क्या मेरे को चुनवाओगी दीवार में. मेरे को तो चुना है जनता ने, मीडिया ने, सोहेल ने. सोहेल आई लव यू, आई लव यू वेरी मच. यू विद मी ना. व्हाट इज दिस, वेयर इज द मीडिया. अपने दिल से ये खुराफतें बाहर कीजिए, बाहर कर दीजिए नफरत को, बाहर करिए. आज भी खारघर में मेरे खाला खामखा का ख्वाब देखती है कि खामखा की हो रही है. बाहर कर दीजिए, नहीं तो नहीं तो मुहामला आगे बढ़ जाएगा. मुहामला. ओत्री यार, ऐसे तो मामला सच्ची मुच्ची में बढ़ जाएगा यार. और डैडी आप चिराग लेके भी ढूंढे ना तो ऐसी अनारकली नहीं मिलेगी. आई लाइक टू मैरी या रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है शंशा. अरे हे विजय दीदा जा चौहान, मैं तेरा मनवा फोड़ देगा. वो क्या है कि इस तरह अपने बाप की बेइज्जती करना गुनाह है. बाप है. अरे छड़वे, अरे ऐसे वैसे बात मत कर. अरे मैं केवल एक ही चीज जानता हूँ, होना तो मैंने किया इसको अपना बाप बना के. अरे जब देखो लड़कियों को दीवार के पीछे चुनवाता रहता है. अबे काय के शौक पाले तूने. हट छगास, हट. ए मुन्ना, ए मुन्ना तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पाला है. ए पटे 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 हायो को हायो को हाय हाय हायो को हायो को हाय. ए मुन्ना पटे पटे हायो को हायो को हाय हाय हायो को हायो को हाय हाय हायो को हायो को हाय हाय. अबे साले छोटे रिचार्ज, दौरा पड़ गया तेरे को पागल बनता. क्या कर रहे थे तुम ये. अरे सुनो रे, तुम अब्बू हो गए अपने घर पे. हमने लड़की चुन ली है, शादी हम इसी से करेंगे, बोलो हाँ. और सुनो बे, अनारकली रूपी छिपकली, अब्बू से हमने परमिशन ले ली चुपचाप शादी करने के लिए, बोलो हाँ. ए तू मला छिपकली ऐसा बोलला. मी तुला छिपकली बोलला. सगळ्यांच्या समोर मला तू छिपकली बोलला. मी तुला झिंगी बोलला. तू मला झिंगी बोलला. झिंगी. मी तुझे प्यार करती थी लेकिन तुमने मुझे छिपकली बोला. अरे डैडी तो तुम भी लगते हो साले सस्ते डैडी कह के. अरे हाउ डेयर यू, आई हाउ डेयर यू कॉल मी
भी प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अबू, मान जाते हो तुम लोग बेटा? अबू मेरी बात मानो, साथ में चुनवाते हैं। चलो, चलो, चलो। मैं तुझसे प्यार करती थी, लेकिन नहीं करती। तुम ऐसे कैसे करते हो? पहले श्रुति को संभालो कोई। Hi, this is Shruti. Wow, we found a true fan. एक बार हाय उठा कर, एक बार Shruti के लिए कर ले. Shruti for you. Never this happens. Never for you Shruti के लिए. Hey, हाय उठो, हाय उठो, हाय हाय, हाय उठो, हाय उठो, हाय हाय, हाय उठो, हाय उठो, हाय हाय. Hey. वो पटी पे उठे उठे. Oh God. Please, once you have to ask like Sonali Kunkarni, just watch. Please, आपको एक समझ में आया ना आया? हम लोग को बहुत मजा आया। Oh my God! Well, judges, इन तीनों में से best mimicry artist कौन है? ये अब आप ही decide कर सकते हैं। तो अर्चना, we'll start with you. What did you think about this extremely chichora act? मुझे लगा in the beginning, I said not working. और मैं सोच रही थी किस लिए work नहीं कर रहा है? Because they were just lines. लेकिन humorous lines नहीं थी वो. पंचेस नहीं थे और फिर आप तीनों ने ये आइटम शुरू किया. The item when it started, I said mimicry really again, but gosh, आप तीनों ने जो किया है मिमिक्री के साथ, जो लिखा है राइटर ने, लेकिन आप लोग लाइव करते हैं यार. और स्क्रिप्ट आपको एक घंटे दो घंटे पहले मिले या आधे घंटे पहले, लेकिन आप लोग लाइव विदाउट अ ब्रेक करते हैं. हम यहाँ पर अपना जजमेंट देते देते थट्टा पप्पा हो जाता है हमारा. You guys were fabulous. जो एंड में आपने 10 मिनट में किया है, सुभान अल्लाह. मुबीन, आपने जो इतना बुरा अच्छा सुनील शेट्टी किया, इतना अच्छा बुरा सुनील शेट्टी किया आपने. And Mantra, you were amazing. But even you will agree कि हमारी जो पूजा भट्ट है ये. और मैं सोच रही थी, मैंने कहा अरे यार एंड हो गया, इसने पूजा नहीं किया. And then the grand finale was पूजा. ये जो आप तीनों का आइटम था, it was the highlight of this act. Fabulous, fabulous, fabulous. Thank you so much, man. Thank you. Suhail, how did you feel? When the act started, so it started with an 8. Then it grew to a 9. Then it became a 10. Then it became an 11. And then it became a 12. So the average is 10. 10 points from both the judges. मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. अब आपकी सारी टेंशन हो गई है खलास, क्योंकि अब कपिल नहीं करेंगे शेर खान की बात. कपिल को एक नई फिल्म मिल गई है. अब इतने खतरनाक पंगे किसने लिए हैं, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कपिल एज हिमसेल्फ, किकू एज अ डायरेक्टर सेक्रेटरी एंड श्वेता एज अ हीरोइन. कपिल भाई, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं शेर खान की बात कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डर है कहीं गुस्से में आके आप बनाना दो. क्योंकि अब मेरे पास डेट्स नहीं है. अच्छा भाई, आई एम सॉरी, मैं आपकी किसान फिल्म नहीं देख पाया, क्योंकि जिस दिन वो रिलीज हुई थी उसी सुबह मैं आउट ऑफ टाउन चला गया था और वापस आया मैं शाम को. तब तक सारे किसान जा चुके थे, खेत ही खेत बचे उधर. भाई आपका बहुत बहुत मुबारक, आपकी राधे फिल्म शुरू हो रही, मैंने सुना. तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां इनके लिए. लेकिन घबराओ मत, मैं इस गेटअप में राधे के ऑडिशन के लिए नहीं आया हूँ भाई. मैंने कल पढ़ा पेपर में, ये राधे फिल्म आ रही है. अब पेपरों से पता चलेगा मेरी फैमिली में क्या हो रहा है. ये हमारा रिश्ता, मुझे पेपर बता रहे हैं. और मैंने पेपर वालों के ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा राधे आ रही, राधे आ रही. 2025 की खबर 2012 में छाप रहे हो? और मेरे को उल्टा डांटने लगे, कहते तू भी तो 2020 की खबर 2011 से बोलता आ रहा है. मैं बहुत दुखी हूँ. खैर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक. दबंग टू हिट हुई, जोरदार तालियां. लेकिन मैं एक बात बताऊं भाई आपको, आप अरबाज भाई से अभी भी आगे हो. उन्होंने दबंग 2 बनाई, आपका सीजन 3 चल रहा है. जोरदार तालियां सोहेल भाई के लिए. खैर भाई, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मेरे से बैक टू बैक सदमे नहीं सहे जा रहे. मैं मरना चाहता हूं, मैं बड़ी जगह मरने गया. मैं पिंकू के पास गया, मैंने कहा मैं मरना चाहता हूं. कहते ट्राई कर लो, मैं पक्का नहीं कह सकता. मेरी जुराब सूंघ के लोग कोमा में गए हैं, लेकिन मरा आज तक कोई नहीं. इसलिए मैं अपने आप को गोली मारना चाहता हूं. Excuse me, कौन है आप? मेरे को क्यों तंग कर रहे हैं? मैं मरना चाहता था. कौन है भाई? मेरा भाई, मैं सोहेल खान की सेक्रेटरी हूँ. मेरे भाई, सोहेल खान की सेक्रेटरी के सोहेल खान की भैंस. सोहेल भाई, इतना पैसा कमाते तुम्हें अच्छे से कपड़े नहीं लेके दे सकते थे?
क्या अपने भाई का कच्चा पहन के घूम रही है तू? मेरे भाई जरा तमीज से बात करो, मेरे भाई मैं सच में सोहेल खान की सेक्रेटरी हूँ, मेरे भाई यकीन नहीं आता तो ये देख लो। ये तो तुमने शूज पहने हुए, वो तो चप्पल पहनते हैं। वो नहीं मेरे भाई, ये देख लो, ये क्या फिंगरप्रिंट क्या दिखा रही है? चल निकल जाए यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे भाई सोहेल भाई ने खुद मुझे भेजा है तुम्हारे पास, मेरे भाई वो अपनी फिल्म के लिए तुम्हें साइन करना चाहते हैं। मेरे भाई मुझे चिढ़ाना चाहती है तू? नहीं मेरे भाई, कहाँ मारूंगा तेरे कोनी में मारो। मेरी बात का यकीन करो मेरे भाई, कुछ फिल्में करनी पड़ती है, कुछ फिल्में लेट हो जाती है, कोई बात नहीं मेरे भाई, ज्यादा गुस्सा करोगे तो डंबल निकाल के मारूंगी तुम्हें। मेरे भाई डंबल मारना लेकिन फंबल नहीं मारना, कम से कम तेरे जैसी औरत का लिहाज नहीं करूंगा मैं। मेरे भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हूँ, मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लो मेरे भाई, इसमें साफ साफ लिखा है सेम स्लॉट पे दूसरी फिल्म करना मना है। ओह माय गॉड, विपुल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो सीख लिया, वाह, लेकिन और कुछ बनाना मत सीखना उनसे। मेरे भाई आपकी डेट्स भी चाहिए, मेरे भाई आपके करीब 9 महीने लगेंगे। ये तुम लोग मेरे साथ फिल्म बना रहे हो क्या, मेरे को माँ बना रहे हो? तुम लोग अकल नहीं है, खबरदार चले जाओ, मेरे को बिगड़ा यकीन है तुम मेरे साथ फिल्म नहीं बनाओगे। मेरे भाई हम आपके साथ फिल्म बना रहे हैं, तेरे को करना पड़ेगा, मौत पड़ जाए तुझे। आ जाती 200-200 रुपए की ड्रेस पहन के, क्या बोल रहे तुम? अरे मेरे भाई फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, मेरे भाई आपके साथ भी एक हीरोइन है जो यहीं आसपास ही खड़ी है। मेरे भाई अभी बोलता हूँ, हीरोइन मेरे भाई। आपके नीचे वाले होठ का नाखून बड़ा हुआ, मैं नेल कटर से काट दूं। ये मेरे होठ का नाखून नहीं है, ये मेरे होठ है। शायद कभी तुमने सेक्सी होठ नहीं देखे। एक बात बताओ मेरे को, मेरे और भी कई दोस्त जर्दा खाते हैं, अर्चना का तो होठ बड़ा हुआ नहीं, तुम्हारा कैसे हो गया? वैसे करती क्या है आप? मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन हूँ। क्या तुम हीरोइन? अरे इसके साथ फिल्म करने से अच्छा तो मैं सुरेश ओबराय अंकल के बेटे के साथ फिल्म कर लूँ। तो मेरे भाई सीधा विवेक ओबराय बोलो ना मेरे भाई। चलो ठीक है, विवेक ओबराय सही। ये कौन है? मैंने कहा था ना तेरे को नहीं पहचानेगा, कुछ बकवास कर रहा है। और सुनो ये पंगे हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, फिल्म का 50 लाख रुपए लूंगा मैं। पिछली बार तो 25 की बात हुई थी मेरे भाई। पिछली बार हुई थी 25,000 की बात, लेकिन ये जो 49,75,000 यार है, एक क्या कर रही तू? इतना अच्छा ये घुमाती हलवाई की दुकान पे जॉब क्यों नहीं करती? मक्खी उड़ा जाके फिल्म में लगी हुई है। देखो मेरी बात, 49 लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ उसका, जो हमारी बेइज्जती हुई, जो ताने दिए लोगों ने। मेरी माँ सड़क पे जाती थी, लोग कहते थे वो देखो उसी लड़के की माँ जिसकी फिल्म अटकी हुई है। एक बार मेरी माँ रोते हुए मेरे से पूछी तुम्हारी फिल्म का क्या बना, मेरे हाथ से पूजा की थाली गिर गई, मैं पूजा भट्ट को रोटी देने जा रहा था। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, इतना कुछ हुआ और तुम सन से मरे नहीं? मैं मरने गया था, मैं अर्चना के पास मरने गया, मैंने कहा मैं मरना चाहता हूँ, कहती मरो मत, जानू मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। मैंने कहा मैं मरना चाहता हूँ, आप मुझे डराई जा रही है। पहले मेरे को एक बात बताओ, फिल्म में मेरा रोल क्या है? अब मेरे भाई कोई टेंशन मत लो, मेरे भाई एकदम मतलब एकदम पावरफुल रोल है, मेरे भाई फिल्म के एंड में आप पागल हो जाते हैं। अच्छा फिल्म के पहले भी मेरे को पागल बनाते रहे, फिल्म के अंदर भी पागल बना रहे हो, मेरे को कहीं तुम लोग पागल तो नहीं समझ रहे? नहीं नहीं मेरे भाई, हम परसों जाएंगे शूटिंग करने, मेरे भाई हमें पंजाब जाना है। पंजाब? लगता है तुम मुझे बहाने बहाने से मेरे घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो। ए मैं नहीं कहीं जाने वाला, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं नहीं पंजाब जाऊंगा। मेरे को सही सही बताओ क्या करने वाले तुम लोग मेरे साथ? भाई फिल्म बनेगी मेरे भाई। पक्का बनेगी? हाँ बनेगी मेरे भाई। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बता दो क्या क्या लिखा है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में मेरे भाई फिल्म तो बनानी है मेरे भाई। ये अरे ये हीरोइन इतनी अच्छी थी है, आपको क्या लगता है? अरे मेरे को हीरोइन नहीं चाहिए, ये वाली कोई और हीरोइन दो मेरे को। इससे पहले ना इस फिल्म में राधे सलमान खान बने थे और मैं उनकी हीरोइन थी। क्या झूठ बोल रही हो तुम बनी थी हीरोइन? अबे जा झूठ बोल रही है तुम। मेरे भाई इस फिल्म को साइन कर लो मेरे भाई, ये लो साइनिंग अमाउंट मेरे भाई, चलो फिल्म शुरू करते हैं मेरे भाई। ओए तुम क्या कर रही थी, तुम्हारे पीछे पागल था सलमान खान? हाँ तुम्हारे प्यार में पागल हुआ वो? पूरा पागल बने, यहाँ वहाँ घूम रहा था। ये करने से कुछ नहीं होगा, आ जाओ इधर। देखो तुम्हारे पीछे पागल नहीं हुआ था, वो तो स्क्रिप्ट में लिखा था कि हीरो हीरोइन के पीछे पागल हो जाता है। अगर स्क्रिप्ट में लिखा होता कि हीरो हीरोइन को 2 थप्पड़ मारेगा, वो 4 मार के जाते तुम्हें। समझ में? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, मैंने साइनिंग अमाउंट दिया, फिल्म साइन करो मेरे भाई। ये क्या साइनिंग अमाउंट, बिरयानी? ये क्या हो रहा है? हाँ मेरे भाई आधी खाना, क्योंकि अर्चना को भी साइन करना है ना मेरे भाई। अच्छा आधी उनको देनी है, लेकिन उनको तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था सोहेल भाई ने फिल्म देने का। नहीं प्रॉमिस तो नहीं किया था मेरे भाई, लेकिन वो सुबह 3-4 बजे रोज रोज सोहेल को फोन करती है ये पूछने के लिए मेरे भाई के फिल्म शुरू तो नहीं हो गई मेरे भाई। मुझे पता है सब, ये दबंग 2 के सेट पे भी ड्रेस दादा बन के घूम रही थी। वो तो अरबाज भाई को सेट पे देखा, इनकी जान में जान आई। क्योंकि अगर कहीं सोहेल कर रहा होता फिल्म
तो मैं उसका मेरे भाई तोड़ देती। ऐसे बोल रही थी। और ऊपर से सलमान भाई को पता क्या कहती? कहती अगर सोनू सूद को नहीं लेना था तो मेरे को ले लेते। और सुना मेरी बात, मेरी हीरोइन चेंज करो, मेरे को नहीं करना। नहीं, मेरे भाई सोहेल भाई ने कहा है कि हीरोइन यही वाली रहेगी मेरे भाई। आपके पास दो चॉइस है, चुमी काट मेरे भाई, नहीं तो नहीं चाहिए तो श्रुति सेठ के साथ कर लो मेरे भाई। क्या इस बात में तुम्हें जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, पढ़ लो। All my dates of my life are busy. Yes, I agree. I want to shoot, but I want to shoot myself, not your film. Okay? Shruti के साथ हीरो आने से अच्छा मैं क्राइम पेट्रोल में चोर बन जाऊंगा, लेकिन इसके साथ फिल्म नहीं करूंगा. Thank you. सुहेल, क्या कहेंगे आप इस एक्ट के बारे में? ये एक और एक्सपीरियंस है. क्या स्क्रिप्ट के ना होने के बावजूद एक छोटी लाइन पकड़ के उसको आप 12-15 मिनट के स्ट्रेच करो. आई डोंट थिंक एनीवन इन द वर्ल्ड, कोई दुनिया में ऐसा कोई शो नहीं है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स कहाँ नहीं है कि इतनी छोटी लाइन पकड़ के उसको एक पूरा एक्ट कर पाए. हैट्स ऑफ टू कपिल, श्वेता एंड कीकू. आर्ची, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट एक्ट था. देयर वाज एन अब्रप्ट एंडिंग, लेकिन जिस अंदाज से कपिल आपने शुरू किया वो बहुत ही कमाल था. आई जस्ट विश कि लाइनें थोड़ी सी क्लियर होती, बिकॉज कहीं आप लोग भूल रहे थे, फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट नुमा फाइल को खोल कर देख रहा भाई ये होने वाला भाई ढूंढ रहे थे कि मैं क्या क्यों दूं. ये सब एक लाइव शो में ही हो सकता है. येट आप तीन अगर मंच पर हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एंटरटेन ना हो. तो कीकू भाई 7 बजे से बाथरूम में गए, पता ये पूरा उतारना पड़ता है. तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 9 points from अर्चना. सुहेल, I'm going to go for a 9-2. 9 points from सुहेल. कीकू, कपिल और श्वेता के लिए जोरदार तालियां. हंसी के अजूबे और जोड़ियां जब भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे, आपके घरों में लाफ्टर की सप्लाई. हंसी की ये सारी तिकड़ियां आपके घर फिर आएंगी और आपको आज से कई ज्यादा हंसाएंगी. ओनली ऑन सेंटर फ्रेश चूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.